डायरेक्टर, आपने बाइक को नहीं देखना अब्दुल रहमान, आपने बाइक्स को नहीं देखना, आपने मेरी तरफ देखने, बस मैक्सिमम 4 से 5 काम। हम यहाँ पर तकरीबन जो 9-10 के तलबा है 8 घंटे का वक्त गुजारते हैं, 8.5 घंटे का, और जो छोटे तलबा हैं जो 7 तक के हैं वो तकरीबन यहाँ पर 5 घंटे का वक्त गुजारते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग सीखते हैं ना वो शायद ही आप कहीं और सीख पाए। ये एक ऐसा माहौल होता है जिससे जितना सीख पाए कम। और अभी चंद दिन पहले एक एडमिशन हुआ मेरे पास, तो वो वालद भी और वालदा दोनों पढ़े लिखे थे, कहते जी हमने बच्चे को किताबें पढ़ाई हुई। मैंने कहा जी लाएं देख लेते हैं। बच्चा प्रेप क्लास में था। किस क्लास में था? प्रेप क्लास का स्टूडेंट था। और जब मैं उसे सुनने लगा तो उसने मुझे 1 तक की भी चीजें सुना दी। मैंने बुक से जो चीजें पूछी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ के टेबल तक पूछे, उसने मुझे फौरन सुना दी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा फिर आप घर में पढ़ा रहे हैं? कहते हमने किसी स्कूल में दाखिल नहीं करवाया। तो मैंने कहा आप घर में अगर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बस पढ़ाते रहे। कहते नहीं, अगर सिर्फ हमारे पढ़ाने से ये बच्चा पढ़ सकता होता तो हम जितना मर्जी पढ़ा सकते, हम इसको एमए तक करवा सकते, लेकिन हम इसे स्कूल का माहौल देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? स्कूल का माहौल देना चाहते हैं। जो बच्चा स्कूल के माहौल से सीखता है वो कहीं और से नहीं सीख सकता। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के तलबा आते हैं, मुख्तलिफ गाँव से आते हैं, मुख्तलिफ जहानत रखने वाले लोग होते हैं, ठीक है, साथ के पास से इलम सीखते हैं। बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, आपस में प्यार मोहब्बत भी करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी भी मांग लेते हैं, एक दूसरे से चीज़ों के लेन देन का सिस्टम चलता है, बार्टर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। बच्चे एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को ले भी लेते हैं, दे भी लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके अंदर बहुत सारी ऐसे मैनर्स पैदा होते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि भाई अगर मैं गलती करूं तो उसकी माफ़ी कैसे मांगी जाती है, और अगर मैं किसी के साथ गुस्सा करूं तो उसका क्या हाल है। तो मुझे वाकई लगा कि स्कूल जो होते हैं या अदारे जो हैं ये बहुत कुछ सिखाते हैं। तो खैर उन्होंने एडमिशन कराया और मुझे फीस भी बड़ी अच्छी नहीं थी, नहीं कि हम बस स्कूल का माहौल देना चाहते हैं, हमें पढ़ाई का भी इतना इशू नहीं। अब इसी हवाले से मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाऊंगा। जो अल्फाज होते हैं, आप इस कहानी का जो नतीजा होता है वो आपने मुझे बताना है, आपने उनमें से कौन सा आदमी बनना है। एक ताजर था, अपने बड़ा अमीर बंदा था, अपने काफले के साथ, पहले लोग में ऐसे होता था कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक तजारत के लिए या एक शहर से दूसरे शहर तक तजारत के लिए मुदस्सर जाते थे। तो उन्होंने ना अपने पूरे काफले को लिया, साथ ऊंट लिए, उसके ऊपर बहुत सारा सामान लादा और चल दिया। जब वो दूसरे मुल्क में पहुंचे तो रास्ते में, पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक जंगल आ गया, वहां पर बड़ी तेज बारिश थी और उन्हें उधर रुकना पड़ा। रात को खैर खेमे लगाकर एक जगह सो गए और बादशाह, वो जो ताजर था उसकी आंख जो है वो खुल गई सिर्फ इस बात पे कि चिड़िया जो है ना वो शोर मचा रही थी। चिड़िया बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी, वो आंख खुली तो उसने देखा कि चिड़िया बहुत ज्यादा शोर कर रही। उसके पास गया तो उसकी ना उसके पर टूटे हुए थे, जख्मी थे, पाँव पर भी चोट लगी हुई। तो उसने सोचा कि ये अब इसका क्या होगा। इतनी देर में दो परिंदे आए, छोटे छोटे दो चिड़िया आई, उन्होंने लाकर उसको खाना खिलाया, अपनी चूंच से उसको खाना खिलाया। वो उसको देखता रहा, वो जाती फिर थोड़ी देर बाद आती और उसे कुछ ना कुछ खिला जाती। अब उसके दिल में ये बात आ गई कि देखें ये तो एक जंगल बियाबान के अंदर एक परिंदा बैठा हुआ है और उसके पर भी टूटे हैं, टांगे भी उसकी टूटी हुई हैं और उसको अल्लाह ताला रिजक दे रहा है, तो मैं अभी डर था दूसरे मुल्क में भागता फिर रहा हूँ। उसने ना सुबह होते ही सारे काफले को कहा जी चलो वापस। उसके पास जितने पैसे थे, जितनी दौलत थी, सारी वो जो है ना अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में बांट दी और इस नियत के साथ कि रिजक किसने देना है, अल्लाह ताला ने किसने देना है, इस नियत के साथ उसने सारी दौलत बांट दी। और बांटने के बाद वो एक जंगल में जाकर बैठ गया, खेमा लगाकर, कोठरी
कोई छोटी सी बनाकर वहां पर बैठ गया, झोपड़ी बनाकर। अब होता क्या, उसके रिश्तेदार जिसके साथ उन्होंने भलाई की थी, जिनको उसने पैसा दिया, दौलत दी, वो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे जाते। ऐसे काम चलता रहा कुछ साल, दो साल। एक कोई अम्मा गई वहां पर, उसे कुछ मसला था, बुजुर्गते उसने देखा बुजुर्ग बैठा हुआ कोई, वो बंदे ने मतलब इबादत करना शुरू कर दी, छोड़ दे सारे काम कि अल्लाह ताला रिजक, और रिजक अल्लाह देता रहा उसे वहां बैठा हुआ। अब वो अम्मा जी ने उनसे कहा कि बाबा जी दुआ कर दी मेरे लिए, मेरे ये मसाइल है। तो उसने दुआ कर दी कि चलो अम्मा जी को अल्लाह ताला जो मसाइल हल करे, अल्लाह ताला ने उसका वो मसला हल कर दिया। और वो बात वो जंगल में जैसे आग फैलती इसी तरह फैलती, चारों तरफ भी जंगल में एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, जो कहोगे उसकी दुआ कबूल हो जाए। लब लोग आना शुरू हो गए, उसके मुरीदैन बनना शुरू हो गए, धड़ाधड़ आ रहे हैं लोग, और तरतीब लगी हुई है, और बड़े उनसे दुआएं करवा रहे हैं। और वो सबको एक ही बात सुनाता कि भाई मैंने इस तरह चिड़िया को देखा है कि रिजक अल्लाह ने देना है, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने सारा कुछ बेच दिया, सारा कुछ बांट दिया है, और मुझे अल्लाह ताला रिजक दे रहा है। वक्त चलता गया, एक दिन ऐसा हुआ कि एक पढ़ा लिखा आलम वहां पर पहुंच गया। आलम और आबद दोनों में फर्क होता है। आलम वहां पर पहुंच गया, उसने पास बैठे उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई, वो बाबा जी ने, वो ताजर ने, कि मैं इस तरह से अल्लाह पर मेरा तवक्कल, मेरा यकीन बड़ा है कि मैं जहां भी बैठा हूँ अल्लाह मुझे नवाजेगा। तो उसने कहा जी बहुत अच्छी बात है। उनका जी मेरा एक सवाल है, अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं पूछ सकता हूँ। उनका जी पूछे। उनका जी आपने दो परिंदों को देखा था, बात सुनने वाली है बेटा, आपने दो परिंदों को देखा था, एक वो परिंदा जिसकी टांग टूटी थी और पर जले हुए थे, खराब थे, जख्मी थे, और एक वो जो लाकर खिला रहा था। आपने टूटा हुआ वो जिसकी टांग टूटी थी, पर जले थे, जख्मी थे, वो परिंदा बनना मुनासिब समझा, आपने उसको खिलाने वाला परिंदा क्यों नहीं मुनासिब बनना समझा? आप जो परिंदा लाकर खिला रहे वो वाला परिंदा क्यों नहीं बने? आपने वो मिसाल क्यों नहीं ली? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, और ये फरमान उलमा किराम से भी सुना हुआ है कि जो हाथ इस तरह होता है ना, वो इस तरह के हाथ से क्या होता है, बेहतर होता है। यानी हाथ जो देने वाला है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है। दुर्गा जी वो जो खा रहा था, आपने वो अपने आप को तफैलिया बना लिया, अपने आप को पैरासाइट बना लिया। आप चिमट गए लोगों के साथ, लोगों से हासिल करने की उम्मीद में बैठ गए कि रिजक आ जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं बने, उस परिंदे की तरह क्यों नहीं बने जो दूसरों को बांट रहा था? आपके पास रिजक था, आप लोगों को बांटते, तकसीम करते, लोगों की फलाह करते, दूसरों को तकसीम करते, जो आपको कमाई आती थी उसमें गरीबों की मदद करते, आप वैसा क्यों नहीं बने? अब आप मुझे बताएं, आप किस तरह के बनना चाहते हैं? बस आराम से बैठकर लोगों के पैसों से लोगों के दी हुई चीजों को खाना चाहते हैं, या दूसरों में अपना इल्म बांटना चाहते हैं? बांटना चाहते हैं। और इल्म कैसा बांटना है? अच्छा इल्म बांटना है। किस तरह से अच्छा इल्म बांट रहे हैं, इसकी एक मिसाल और सुनाता हूँ। एक मेंढक का काफिला जा रहा था, मेंढकों का, तो रास्ते में कुआं आया, दो मेंढक वो कुएं में गिर गए। कितने मेंढक? दो मेंढक कुएं में गिरे। अब बाहर वाले मेंढक कह रहे हैं लो जी होते नहीं निकल रहे बाहर, अब जो भी होगा ना, ये मेंढक गए, ये मर गए। मेंढक को क्या कहते हैं पंजाबी में? वो जो डड्डू है, उसने कहा ये डड्डू अब मर गए। अब वो जो मेंढक दोनों अंदर बैठे हुए थे वो सुन रहे थे। अब वो कोशिश तो करते, बड़ी छलांगे लगाते, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। अब वो बाहर वाले सारे यही बात, बस ये गए जी, ये मर गए, छोड़ो इन्हों यार, इनको यार, चलते हैं हम यहाँ से। अब वो आपस में बातें कर रहे हैं, और वो बेचारे अंदर उनकी बातें सुनकर डिसहार्ट हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यार ये हम वाकई नहीं शायद निकल सकते। खैर ये बातें सुनते सुनाते एक जो मेंढक था वो मर गया। दूसरा मेंढक जो है वो और तेज छलांगे लगाने लग गया। जब वो मरा, दूसरा मेंढक और तेज छलांगे लगाने लगे। उसको सारे कह रहे हैं और रुक जाओ भाई, ना बाहर आओ, तुमने मर तो जाना है, बाहर कैसे निकलोगे, कोई हमारे पास चीज नहीं है जिससे बाहर निकाले आपको। लेकिन वो और तेजी से छलांगे लगाने लग गया। वो ऊपर शोर मचा रहे, वो तेज से छलांगे लगा रहे।
इतनी देर में उसने जोर से जंप लिया और बाहर बाहर आ गया। अब सारे उससे पूछ रहे हैं यार तुमने कमाल कर दिया, अब हुआ क्या? वो जो दो मेंढक थे ना, उन दो मेंढक में से जो मेंढक बाहर निकल आया था वो कान से बहरा था। कानों से क्या था? उसको लोगों की बातें ही नहीं सुनाई दे रही थी, वो शोर मचा रहे थे, उसे लग रहा था वो कह रहे बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, जबकि वो कह रहे थे मर गया तू मर गया तू। अब उन दोनों के अल्फाजों में देखें कि अल्फाज जो होते हैं वो अच्छे अल्फाज वो जिंदगी बांटते हैं। अच्छे अल्फाज क्या करते हैं बेटा? अब वो जो उन्होंने अल्फाज सुने थे जिसकी वजह से एक मेंढक मर गया, वो क्या अल्फाज थे भला? कि बस ये अब बाहर नहीं आ सकता, यानी बेबसी वाले अल्फाज, बेबसी वाला इलम बांटा जा रहा था उसमें। लेकिन दूसरे मेंढक जिसने जो बह रहा था उसको तो पता नहीं चल रहा था, शायद वो सुनता तो वो भी ऐसे ही मर जाता, उसे उसे लग रहा था शायद मुझे कह रहे बाहर आओ बाहर आओ, और उसने छलांग लगाई और वो बाहर आ गया। ठीक है, तो अब आपने जो इलम बांटना है, एक तो आपने आपका हाथ कौन सा हो? देने वाला हाथ, यानी इलम बांटे आलम बने, और दूसरा जो इलम बांटना है वो कैसा हो? अच्छा हो, जिंदगी बांटने वाला हो, उससे